दोस्तों, यहूदी जब बेबीलोन में निर्वासित जीवन जी रहे थे तो वहाँ की नदियों के तट पर बैठकर जेरूशलेम की ओर मुंह करके रोते और बिरह गीत गाते थे। उन्होंने वहाँ सौगंध ली कि हम तब तक कोई आनंद उत्सव नहीं मनाएंगे जब तक कि हमें हमारा जेरूशलेम और जियाना पर्वत दोबारा नहीं मिल जाता। 50 सालों के निर्वासित जीवन में न कोई हर्ष, न गीत, न संगीत, और सिर्फ अपनी मातृभूमि की वेदना। दोस्तों, इसकी तुलना अपने देश के लोगों से कीजिए जो अफगानिस्तान से निकाले गए, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर से निकाले गए। क्या उनके अंदर अपनी उस भूमि के लिए कोई वेदना है? इन निर्वासितों के किसी संस्था को अखंड भारत के लिए कोई कार्यक्रम करते देखा या सुना है? अपने छोड़े गए शहर, पहाड़, नदी आदि की स्मृति को क्या उन्होंने उसी रूप में संजोया हुआ है? क्या कोई बिरह गीत अपनी उस खो गई भूमि के लिए गाते हैं? क्या अपनी संतानों को समझाते हैं कि उनके दादा परदादा को क्यों, कब और किसने कहां से निकाला था? मैं ये नहीं कहता कि इनमें सब ऐसे ही हैं, पर जो ऐसे हैं वो बहुसंख्यक में हैं। या फिर मान लीजिए कि कल को मैं मेरे जन्म स्थान से खदेड़ दिया गया तो क्या उसकी स्मृति को उसी तरह से जी पाऊंगा जैसे बेबीलोन के निर्वासित यहूदी जीते थे? शायद नहीं। एक सभ्यता के रूप में हमारी हार का सबसे बड़ा सबूत यही है कि न तो हमें भारत के अधूरे मानचित्र को देखकर दर्द होता है, और क्या ही हमें हमारी खोई हुई भूमि, नदियां, पर्वत और लूटे धर्म स्थान पीड़ा देंगे।